नगर निगम पूरी तरह से फेल हो गई है। जो स्थिति अभी कटिहार शहर का है पूरी तरह से नरक निगम में तब्दील हो गया है। वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 7, विशेषकर वार्ड नंबर 12 का जो लोहिया नगर का इलाका है, लगभग 250 से 300 घर और पूरे ऑल ओवर पूरे कटिहार शहरी क्षेत्र में 500 से ज़्यादा घर कोसी कारी कोसी के बाढ़ के पानी और नाला नाली के पानी से पूरी तरह से ग्रसित है। इस इलाके में महामारी फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि नगर निगम का जो कार्रवाई है, नगर निगम की जो व्यवस्था है, वो इस इलाके में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। न तो DDT का छिड़काव हो रहा है, न ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो रहा है, न ही इस इलाके में जो है कीटनाशक किसी दिव्या या फॉगिंग का व्यवस्था की गई है। फॉगिंग तो इस हिसाब से चल रहा है प्रति किलोमीटर 20 किलोमीटर एक घंटा के हिसाब से चल रहा है। तो ये स्थिति है। आज हम लोग स्वयं सहायता, आज स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि स्वयं सहायता आंदोलन हम लोग को खड़ा करना पड़ रहा है। हम लोग स्वयं अपने स्तर से मास्क लोगों को दे करके और आपका ब्लीचिंग पाउडर ले करके हम लोगों ने छींटने का काम किया पूरे इलाका में और पूरे शहर के इलाके में हम लोग छींटने का काम करेंगे। चूँकि सरकार और नगर निगम पूरी तरह से फेल हो चुकी है, स्थिति बहुत भयावह है। लोगों के घरों में जो है कीड़ा मकोड़ा, इसके अलावा विषाक्त जो है कीड़ा मकोड़ा जा रहा है, इसके अलावा सांप बिच्छू जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी नगर निगम का आयुक्त कहता है कि पानी निकल गई है, पानी निकल रहा है। अभी हम लोग वर्तमान स्थिति में आप देख लीजिए क्या स्थिति है, पानी ठहराव में है, पानी ठहराव में है, पानी कहीं कोई निकासी नहीं हो रही है और ये बरगलाने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान नगर आयुक्त का आया है आज अखबार में और TV में जो चला है। इसके खिलाफ लोग सड़क पर उतरेंगे और ये साथ साथ चेतावनी देते हैं कि दो दिनों के अंदर पानी निकासी नहीं हुई, इस इलाके में नाला नाली का निर्माण नहीं हुआ, नाला नाली का निर्माण के लिए लिखित घोषणा नहीं करेगी नगर निगम और यहाँ के सरकार, और इसके अलावे इस इलाके का जो प्रभावित क्षेत्र है, जो शहर का जो पानी से प्रभावित है, जल जमाव से प्रभावित है, दूषित इलाका है, वहाँ से नगर निगम होल्डिंग टैक्स नहीं ले, उसको एक साल के माफ़ी करें, ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और साथ साथ ये अभियान हम लोग चला रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर पूरे इलाका में हम लोग छींटने का काम कर रहे हैं।